हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाए हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT ने भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे 3 मंत्रियों के निजी सचिव ओम प्रकाश कश्यप, राम नरेश त्रिपाठी और संतोष अवस्थी को गिरफ्तार किया गया। शनिवार को तीनों को कोर्ट में पेश किया गया और इन्हें जेल भेज दिया गया। स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीनों सचिवों को निलंबित करते हुए FIR करने के निर्देश दिए थे। साथ ही ADG जोन राजीव कृष्ण की अध्यक्षता में एक SIT का गठन किया था। ADG जोन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि SSP पूर्वी सर्वेश कुमार मिश्र और CO हजरतगंज को सबूत जुटाने के लिए दिल्ली भेजा गया था। साथ ही तीनों निजी सचिवों के घर और उनके साथ काम करने वाले अन्य कर्मचारियों की जानकारियां एकत्र की गई। SIT का दावा है कि कई जगह छापेमारी में भी काफी साक्ष्य मिले हैं। मामले के खुलासे के बाद से ही तीनों आरोपी फरार चल रहे थे। शुक्रवार को जानकारी मिली कि तीनों आरोपी हजरतगंज में है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शनिवार को बेहद गुपचुप तरीके से इन्हें कोर्ट लाया गया। इनकी पेशी की जानकारी को किसी को भनक भी नहीं लगने दी। राजीव कृष्ण ने कहा कि जल्द ही इस मामले में कई लोगों के नाम सामने लाए जाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।